नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, अगर जिस महिला के ये तीन अंग बड़े होते हैं तो वहां पर बर्बादी निश्चित तौर पर आती है, यहाँ तक कि महाभारत तक छिड़ जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला सैकड़ों गांवों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिलाओं के जिन तीन अंगों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर जिस घर में या आपके आस पड़ोस में इस तरह की महिलाएं दिखाई देती हैं, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं के ये तीन अंग बड़े होने से चिंता का विषय माना जाता है। आपको बता दें, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं का रंग और उनकी बनावट के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिलती है। ऐसे में उनका स्वभाव और चरित्र देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं में वो तीन अंग सबसे बड़े कौन से हैं, जिसके कारण महाभारत तक हो जाती है और हो जाते हैं सैकड़ों गांव बर्बाद। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के उन्हीं तीन अंगों के बारे में। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, महिलाओं में बड़े बड़े स्तन। दोस्तों, अगर जिस महिला के बड़े स्तन होते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला भले ही मन से पवित्र हो, लेकिन दूसरे लोग इन्हें गलत नजरिए से देखते हैं। कई पुरुष ऐसी महिलाओं को वासना की दृष्टि से देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नंबर दो, खूबसूरत, घना और लंबा बाल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला का बाल अगर कमर से नीचे जाता है तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ऐसी महिला नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। जिस महिला के कमर से नीचे घने और लंबे बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुरुष भी ऐसी महिला पर जल्दी आकर्षित होते हैं। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कमर से नीचे बाल होना आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए कमर से नीचे बाल नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, महिलाओं में बड़े बड़े कूल्हे होना। दोस्तों, अगर हम समाज की बात करें तो किसी भी महिला के बड़े बड़े कूल्हे होना भी अच्छा नहीं होता। बड़े कूल्हों वाली महिला भले ही मन से पवित्र हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नजर से देख सकता है और समाज भी ऐसी महिला को सही ढंग से नहीं देखता। इसलिए हर महिला के कूल्हे सीमित मात्रा में ही होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े और ना ही छोटे। हालांकि कई महिलाएं जानबूझकर अपने कूल्हों को बड़ा करती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होता है, इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। नंबर चार, ज्यादा खूबसूरती। दोस्तों, किसी भी महिला का खूबसूरत होना लाजमी है। दुनिया में हर महिला ईश्वर से ये कामना करती है कि काश मैं भी खूबसूरत होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, महिला अगर हद से ज्यादा खूबसूरत है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। महिला की खूबसूरती और उसका चलन सैकड़ों गांव बर्बाद कर सकता है, और ये वारदात हो भी चुकी है। इसलिए महिलाओं का ज्यादा खूबसूरत होना भी बहुत खतरनाक माना जाता है। इतिहास गवाह है, महिला की खूबसूरती के कारण ही कई सारे युद्ध हुए। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए,
ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।